हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लॉगपंक SPA-01 100 वाट साउंड बार पर रिव्यू। मेरे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने विचार भी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब इस साउंड बार रिव्यू वीडियो के अंदर चलते हैं। ब्लॉगपंक एक जर्मन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में 100 साल से है। तो रिसेंटली ब्लॉगपंक इंडिया ने सीरीज ऑफ बजट साउंड बार्स अमेजॉन प्राइम डे सेल में लॉन्च किया था। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी भी इस साउंड बार को आप अमेजॉन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम ब्लॉगपंक लॉन्च का सबसे सस्ता SPA-01 जो निर्मित वूफर के साथ आता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस साउंड बार के विशेष विवरण के बारे में देखते हैं। ये साउंड बार 81 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 3.45 किलोग्राम है। यह ड्यूएल 3 इंच वूफर के साथ और 2 इंच फुल रेंज स्पीकर ड्राइवरों के साथ बनाया गया है। ब्लॉगपंक का दावा है कि इस बार में से लगभग 100 वाट्स की ध्वनि उत्पादन होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह साउंड बार लंबी, मजबूत और अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक से बना है। इस पर का जो ग्रिल है वो भी अच्छे मेटल से बना है और मजबूत भी दिखता है। इसका ऊपरी भाग बहुत ही चमकदार दिखता है और यहाँ पर ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट सा है। तो चलिए अब हम इस साउंड बार के वूफर्स के बारे में देखते हैं। इस साउंड बार का वूफर्स डाउन फायरिंग है, यानी यहाँ पर साउंड आउटपुट नीचे की तरफ उत्पन्न होता है। और देखा जाए तो साउंड बार को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यानी उन्नत डिजाइन के साथ बनाया गया है ताकि वूफर आउटपुट में से निकलने वाले ध्वनि में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये है ब्लॉगपंक SPA-01 साउंड बार के दो साइड्स। अगर इस वाले साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पावर बटन है और उसके साथ एक सोर्स का बटन है और एक वॉल्यूम चेंज करने वाला ऊपर नीचे वाला बटन भी है। तो चलिए देखते हैं साउंड बार के साथ क्या क्या आते हैं। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यह है साउंड बार रिमोट और रिमोट का क्वालिटी है मीडियोकर यानी साधारण। और ये है 3.5 mm RCA केबल, थोड़े बहुत सेट ऑफ स्क्रूज दीवार पर फिक्स करने के लिए। यह है 3.5 mm ऑक्स केबल और यह है साउंड बार का वारंटी कार्ड। तो चलिए अब हम इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर है ब्लूटूथ, HDMI आर्क, ऑप्टिकल, ऑक्स, लाइन इन एंड USB। यहाँ के सारे कनेक्शन सिंपल हैं और इसे हम 10 मिनट के अंदर सेटअप कर सकते हैं। मैंने HDMI आर्क, ब्लूटूथ और USB के ऑडियो आउटपुट को टेस्ट किया है। इसका साउंड आउटपुट यानी ध्वनि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है और एक सामान्य हॉल के लिए भी यह एक अच्छी बेस इफेक्ट देता है। लेकिन जब ऑडियो आउटपुट को मैं ऑक्स के साथ मैंने परीक्षण किया तो यह निर्मम स्तर का था, इसलिए मैं हमेशा डिजिटल कनेक्शन का उपयोग करना पसंद करती हूँ। तो यह है हमारे साउंड बार का LED डिस्प्ले जिसमें हम कनेक्टिविटी ऑप्शंस को देख सकते हैं।
और मैं आपके साथ अभी HDMI और ब्लूटूथ के साउंड आउटपुट को भी शेयर करूंगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस साउंड बार का मैक्सिमम वॉल्यूम है 40, लेकिन एक मीडियम साइज हॉल में हम 32 से ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। तो मैंने ये वाली साउंड बार अमेज़न सेल पर करीबन 3,999 रुपये में लिए थे और उसमें बैंक ऑफर भी था। यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं और अच्छी खासी आवाज़ का आनंद लेना चाहते हैं साउंड बार से, तो मैं इस साउंड बार की सलाह दूंगी ज़रूर। और ब्लॉप एंड साउंड बार की सबसे अच्छी बात जो मुझे महसूस हुई है वो है उसका कॉम्पैक्ट आकार और उसमें लगे हुए वूफर, जिसमें से अच्छी खासी साउंड आउटपुट उत्पादन होती हैं। तो ब्लॉपन SPA-0100W साउंड बार का रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर मेरा चैनल भी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वो भी बेल बटन के साथ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।